बैक माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है एसपी ट्रैकलर्स में। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए चैलेंज के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, इस जैकेट को स्टीम प्रेस करके दिखाएंगे और इसकी पैकिंग दिखाएंगे। पैकिंग दो टाइप की होती है, एक होती है प्रॉपर जो छोटी पीपी वाली पन्नी में आती है और एक होती है बड़ी पन्नी में जो हैंगर के साथ पैकिंग होती है। तो वो पैकिंग हम आपको आज दिखाएंगे और जो छोटी पैकिंग होती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में और कभी और दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको स्टीम प्रेस करके दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये टोपी वाली जैकेट है तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से हम टोपी पे कर देंगे। टोपी पे दोनों साइड पे करेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो जैकेट होती है जो स्टीम प्रेस को ना प्रॉपर पका दो, लाइक कि इसको प्रॉपर तरीके से और स्टीम को ना पूरी तरह से इसमें कन्वर्ट कर दो कि ये बाद में सुखड़े ना या कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, जैकेट को प्रेस करना कोई कारगर ही नहीं है, वो कोई भी नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मी, तो मैं भी कोई कारगर नहीं हूँ। आपके लिए वीडियो तैयार करने के लिए पहले मैं कारगर से सीखता हूँ, उसके बाद आपके लिए वीडियो मैं तैयार करता हूँ शाम को। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका अंदर का होता है वो रुए वाला होता है, रुई जो रुई होती है उसका बना होता है, तो उस पर प्रेस नहीं करना होता है। अगर उसको आप प्रेस करेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। और इसकी लगा देंगे पेन इस तरीके से। हैंगर है जो प्लास्टिक हैंगर है, इसको आप कस्टमर को दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो ड्रैगन वालों के लिए ये जो हैंगर होता है वो अगर वो चांदनी चौक से परचेस करते हैं तो वो थोड़ा कम अमाउंट में मिलती है, तो ये कस्टमर को दे दोगे तो कस्टमर आपका इम्प्रेस हो जाएगा और आपका कस्टमर परमानेंट हो जाएगा, जो आपसे परमानेंटली ही आपसे ड्रैगन करवाएगा। तो इसी में हम आपको पैकिंग करके दिखाएंगे। कंप्लीट हो गई है, अब इसको हम पैकिंग करेंगे। वो इसी ऐसे ही प्रॉपर पैक होगी ये, और छोटी पन्नी में पैक नहीं कर रहे हैं, छोटी पीपी वाली पन्नी में पैक नहीं कर रहे हैं। ये पन्नी का साइज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पन्नी का साइज होता है 24-36 की पन्नी है, ये पीपी पन्नी है 24-36। इससे बेस्ट भी क्वालिटी आती है, आप इसकी बेस्ट क्वालिटी लेंगे तो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी आपको, और जो ट्रैकिंग वाले यूज करते हैं वो पीपी यूज करते हैं। तो चलिए हम इस पीपी में आपको वीडियो बना के दिखाते हैं कि जैकेट को कैसे पैक करेंगे और प्रॉपर तरीके से पैकिंग दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये है जैकेट और ये हैंगर आपको कस्टमर को मैं दे दूंगा, क्योंकि कस्टमर मेरा परमानेंट है और अच्छा कस्टमर है, तो ये हैंगर मैं उसको दे दूंगा। तो ट्रैकिंग वाले दे सकते हैं क्योंकि ये हैंगर बहुत कम प्राइस में मिलता है। पैकिंग कम्प्लीट हो गई है, ये ऐसे ही कस्टमर लेके जाएगा तो कस्टमर भी आपका इम्प्रेस हो जाएगा कि
कि जो ट्रैकिंग वाले हैं बहुत अच्छा काम करते हैं पैकिंग में, तो ऐसे भी है क्योंकि ऐसे में कस्टमर बहुत अच्छे फैमिली मेम्बर बनते हैं और कस्टमरों के साथ फैमिली मेम्बर बनाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर ही कम्प्लीट होती है, तो ये हमने कम्प्लीट कर दी। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें। आज की वीडियो हमारी यहीं पर ही कम्प्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ।